हेलो फ्लटर डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी जो वीडियो है, इसके अंदर हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। और इससे हमारी जो पुरानी वाली वीडियो थी, जिसके अंदर हमने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप किया था, तो अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर टॉप पे शो हो रहा होगा। तो काइंडली वो वाली वीडियो भी जाकर देख लें। तो चलें शुरू करते हैं। सो फॉर क्रिएटिंग स्प्लैश स्क्रीन, हमारे पास जो यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर जितना भी इस तरीके का जो कोड है, तो उसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ होम पेज की क्लास बनी हुई है, इसको रिमूव कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के बाद, यहाँ पर जो होम है हमारी, ये वाली जो नीचे क्लास बनी हुई थी वो कॉल हुई हुई है, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली अभी हमारे पास एरर शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने जो है कोई भी क्लास यहाँ पर उसको डिफाइन नहीं की हुई कि आपको जो एप्लीकेशन रन होनी है तो उसके बाद आपको कौन सी क्लास के अंदर जाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और LIB के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रख लेते हैं स्क्रीन्स। ठीक है, अब इस स्क्रीन्स के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे डार्ट की, जिसका हम नाम रख लेते हैं स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है क्लास बन चुकी है, उसमें हम जो है हम यहाँ पर हमारे स्टेटफुल विजिट को जो है बेसिकली यहाँ पर कॉल करवा लेंगे। अब जैसे ही कॉल करवा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसको नेम प्रोवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर इसको नेम प्रोवाइड कर देते हैं स्प्लैश स्क्रीन। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। बेसिकली इस वजह से एरर्स आ रहे हैं क्योंकि हमने जो है मटेरियल डॉट डार्ट बेसिकली इम्पोर्ट नहीं की हुई। तो जैसे हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, हमारे पास जो भी एरर्स थे वो सारे सॉल्व हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन का नेम है, इसको हम मेन डॉट डार्ट में ले जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके इस तरह से ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पर जो है स्प्लैश स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेंगे। और हमारे पास जो यहाँ पर एरर आ रहा था वो भी रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट मॉडिफायर लगा देंगे ताकि हमारे पास जो वार्निंग आई थी वो भी रिमूव हो जाए। उसके बाद ऐसी उसी कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी डिवाइस है उसके अंदर एज अ ब्लैंक स्क्रीन हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर अभी कोई कोड नहीं लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये डीबग का बेसिकली आ रहा है, तो मटेरियल ऐप के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर डीबग शो चेक मोड बैनर करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे फॉल्स एंड देन सेव। हमारे पास जो यहाँ पर डीबग का आ रहा था वो भी अब रिमूव हो चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा से हमारी स्प्लैश स्क्रीन की तरफ। अब बेसिकली इसमें अभी जो है हम फायरबेस इंटीग्रेट नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट एक नॉर्मल स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे वाली आने वाली वीडियोज़ के अंदर हमारे पास और कुछ स्क्रीन्स हैं वो क्रिएट होंगी, उसके बाद हम फायरबेस को इंटीग्रेट करेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और उसमें फिर हमारे पास जो है स्प्लैश स्क्रीन में भी कुछ ऐसी लॉजिक्स एंटर की जाएंगी, जिसमें इस तरीके से होगा कि यूज़र अगर बेसिकली जो है वो लॉग इन है तो वो डायरेक्टली जो है बेसिकली हमारी होम स्क्रीन की तरफ चले जाए, वो लॉग इन और रजिस्टर की स्क्रीन की तरफ ना जाए। और इफ़ इनकेस हमारा जो यूज़र है वो लॉग इन नहीं है, तो बेसिकली वो स्प्लैश स्क्रीन के बाद डायरेक्ट लॉग इन या रजिस्टर की स्क्रीन के ऊपर जाए। तो वो बेसिकली जो लॉजिक है वो हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे जब हम फायरबेस इंटीग्रेट कर लेंगे। हमारी कुछ आगे आने वाली वीडियोज़ में अब उस चीज़ को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इसी वजह से बेसिकली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। उसके बाद आते हैं हमारे पास इस रिटर्न के ऊपर। रिटर्न में हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है कंटेनर, हम इसको हटा के यहाँ पर कर लेते हैं स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड के अंदर हम यहाँ पर उसको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं कॉलम, और कॉलम के अंदर हम सबसे पहले उसको यहाँ पर देते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट, और वो कर देते हैं हम सेंटर। उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पर सेंटर। उसके बाद हमारे पास कॉलम के अंदर होते हैं चिल्ड्रन, हम इसको चिल्ड्रन प्रोवाइड करेंगे। और चिल्ड्रन प्रोवाइड करने के अंदर बेसिकली अब हम यहाँ पर इसको एक प्रोवाइड करेंगे कंटेनर। यह हम चिल्ड्रन के अंदर इसको प्रोवाइड करेंगे कंटेनर। और उसके बाद बेसिकली अब हम इस कंटेनर का कलर सेट करते हैं, तो हम यहाँ पर इस कंटेनर का कलर रख लेते हैं कलर्स डॉट ब्लू ग्रे। और यहाँ पर बेसिकली इसके आगे हम इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे ताकि हमारे को बेसिकली कितना जो है वो कलर डार्क चाहिए कितना लाइट चाहिए, तो बेसिकली ये वो वैल्यू हम यहाँ पर उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेनर का चाइल्ड। अब इस चाइल्ड के अंदर बेसिकली हमको इमेज लेकर आनी है, तो हम यहाँ पर इमेज को कॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर बेसिकली हमको, आपको याद हो हमने यहाँ पर बेसिकली इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये वाली इमेज रखी थी ब्लॉग डॉट PNG, जो मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने यहाँ पर आप लोगों से सेट करवाई थी। जस्ट लाइक दैट हम लोग जो है बेसिकली एसेट से हमारी इस इमेज को लेकर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज के बाद हम यहाँ पर करेंगे एसेट इमेज को कॉल। और उसके अंदर अब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको नेम प्रोवाइड करेंगे इमेज, उसके बाद स्लैश, और उसके बाद जो हमारी इमेज का यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, हम यहाँ पर उसको वो प्रोवाइड कर देंगे ब्लॉग डॉट PNG। अब बेसिकली जो इमेज आया है ना वो यहाँ पर आया हमारे फोल्डर के नेम से। अब यहाँ पर जैसे अगर हमने इमेजेस रखा हुआ है तो यहाँ पर भी बेसिकली हमको इमेजेस रखना होगा।
और पर्सपेक्ट डॉट ई एम एल के अंदर भी यहाँ पर हमारा जो एसेट्स है उसमें भी हमने इमेजेस रखा हुआ है। अगर हम इमेज करते हैं तो हम यहाँ पर जो है बेसिकली इमेज लिखते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं अपनी फाइल को सेव। जैसे ही हमने यहाँ पर सेव करा हमारे कोड को, तो हमारे पास यहाँ पर एक वाइट स्क्रीन आ चुकी है जिसके अंदर हमारे पास ये इमेज शो हो रही है। उसके बाद अब यहाँ पर बेसिकली इमेज की हम सेट करते हैं हाइट। तो अब यहाँ पर हाइट के अंदर हम इसको प्रोवाइड करते हैं मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट से बाहर आने के बाद हम इसको प्रोवाइड करेंगे डॉट साइज एंड देन डॉट हाइट। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसको साइन प्रोवाइड करेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे 0.3। आफ्टर डैट हाइट हमने प्रोवाइड कर दी, अब हम इसको प्रोवाइड करेंगे विथ। विथ के अंदर भी हम इसी तरीके से करेंगे मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्स्ट से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे डॉट साइज, जहाँ ऊपर हमने हाइट प्रोवाइड की थी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे विथ। और उसके बाद जो है बेसिकली हम यहाँ पर विथ के आगे उसको इसी तरीके से साइन प्रोवाइड करेंगे जो हमने ऊपर की थी, और यहाँ पर हम लिख देंगे 0.6 और इसको कर लेंगे सेव। यहाँ पर बेसिकली हमने इसको हाइट और विथ प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारे पास जो एक कंटेनर है, अब बेसिकली हम इस कंटेनर से जो है बाहर आते हैं। अब इस कंटेनर से बाहर आने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक कॉल करते हैं पैडिंग, पैडिंग विजेट को बेसिकली यहाँ पर हम लेकर आते हैं। यहाँ पर एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं ऐड किया हुआ था। यहाँ पर कॉमा ऐड करा, पैडिंग विजेट को कॉल करा, और उसके अंदर अब बेसिकली हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे एज इंसर्ट डॉट सिमेट्रिक, और यहाँ पर अब इसको प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर वर्टिकल, और यहाँ पर इसको हम वैल्यू दे देंगे 30, और यहाँ पर कॉमा लगा के इसको इस तरीके से हम कर लेंगे सेव। आफ्टर डैट उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड एंड देन अलाइन, यहाँ पर अलाइन कॉल करेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर प्रोवाइड करेंगे अलाइनमेंट एंड देन उसके बाद अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड, ठीक है। अब इस चाइल्ड के अंदर हम इसको देंगे टेक्स्ट, जो बेसिकली हमको हमारे यहाँ पर टेक्स्ट शो करवाना है। अब यहाँ हमने इसको प्रोवाइड किया टेक्स्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे इसको ब्लॉक, जो बेसिकली हमको टेक्स्ट शो करवाना है। उसके बाद आपको हमको इस टेक्स्ट को बेसिकली कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना है। तो इस स्टाइल के अंदर हम इसको प्रोवाइड करेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम इसको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे फॉन्ट स्टाइल। हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक। अब मैं आपको सेव करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो है ब्लॉक का टेक्स्ट भी आ चुका है, हमारे पास हमारी इमेज भी सेंटर के अंदर शो होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही हम लोग ने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर बेसिकली हम इसको प्रोवाइड करेंगे फॉन्ट साइज़, क्योंकि हमारा जो फॉन्ट का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है। हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड देंगे 30 की वैल्यू, और फॉन्ट साइज़ के बाद हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रोवाइड करने के बाद हम अगेन लिखेंगे फॉन्ट वेट, और यहाँ हम प्रोवाइड कर देंगे W300। उसके बाद इसको सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है ब्लॉक जो लिखा हुआ आ रहा है अब वो प्रॉपर जो है विजिबल होना शुरू हो गया। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ आ काफ़ी सारी वार्निंग्स, तो हम यहाँ पर उनमें कंस्टेंट मॉडिफायर को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जितनी भी वार्निंग्स थी वो सारी रिमूव हो जाएं। अब उसके बाद बेसिकली हमारी जो यूआई है बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन की, वो तो कंप्लीट हो गई है, बट हमारी ये स्क्रीन अब कुछ सेकंड्स में आगे कहीं जा नहीं रही। तो बेसिकली अब हमको उस चीज़ की लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो उस चीज़ की लॉजिक लिखने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर की तरफ, क्लास स्प्लैश स्क्रीन जो एक्सटेंड स्प्लैश स्क्रीन। हम यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे इनिट स्टेट। जैसे हम यहाँ पर इनिट स्टेट प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। हम इस चीज़ को रिमूव कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सुपर डॉट इनिट स्टेट। इसके बाद बेसिकली हम यहाँ पर एक विजेट कॉल करेंगे जो होगा टाइमर का विजेट। अब हम टाइमर का विजेट कॉल करेंगे, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ड्यूरेशन कि हमको कितनी ड्यूरेशन तक बेसिकली इस स्क्रीन को जो है शो करवाना है। हम यहाँ पर ड्यूरेशन करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट्स, और इसको हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे सेकेंड्स। अब जस्ट लाइक आप यहाँ पर 5, 10, 15 जितने सेकंड्स के लिए आप अपनी स्प्लैश स्क्रीन को शो करवाना चाहते हैं आप वो यहाँ पर बेसिकली एंटर कर देंगे। एंड आफ्टर डैट हम यहाँ पर पहले सेमी कॉलन प्रोवाइड करें ताकि हमारे पास जो एरर आ रहा है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, अब इसके अंदर हम बेसिकली लॉजिक लिखेंगे कि भाई आप जो है इस सेकेंड्स के बाद आप इस स्क्रीन के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली स्विच हो जाओ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेविगेटर एंड देन पर उसका हम लिखेंगे डॉट पुश। हमारे पास यहाँ पर आ गया कॉन्टेक्स्ट और रूट। तो रूट में हम यहाँ पर आने के बाद इसको देंगे मटेरियल पेज रूट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बिल्डर आ जाता है, तो बिल्डर को बेसिकली हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और इसको प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर इसको देंगे इक्वल्स टू और इस तरीके की साइन कि अब जो है आप यहाँ से बेसिकली इस स्क्रीन के ऊपर चले जाओ। अब बेसिकली हमने वो वाली स्क्रीन अभी क्रिएट नहीं की हुई, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी जो है उसको ऐड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोसेस ये होगा कि हम यहाँ पर एक और स्क्रीन क्रिएट करेंगे कि हमारी जो ये स्प्लैश स्क्रीन है वो इतने सेकंड्स के बाद बेसिकली यहाँ पर स्विच हो जाए।
सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हमारी एक न्यू स्क्रीन क्रिएट करेंगे। तो हम इसी तरीके से हमारे स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे। उसका हम यहाँ पर नाम रख देते हैं ऑप्शन अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डॉट, दैट्स इट। यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर भी हम उसी तरीके से यहाँ पर स्टेटफुल विजेट को कॉल करेंगे, यहाँ पर इसको नाम प्रोवाइड करेंगे ऑप्शन स्क्रीन, और उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटफुल विजेट पे आने के बाद हम यहाँ पर उसी तरीके से मटेरियल डॉट डॉट को इम्पोर्ट कर लेंगे और हमारे पास अब आ जाती है ऑप्शन स्क्रीन। हम यहाँ पर इसको ऑप्शन स्क्रीन को पेस्ट करके इस तरीके से बेसिकली अब हम यहाँ पर जो है इसको इम्पोर्ट कर लेंगे कि अब यहाँ पर जो है बेसिकली 5 सेकेंड्स के बाद इस स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है हमारी ये वाली स्क्रीन स्विच हो जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक लिख दी। अब हम कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन को हॉट रिलोड। तो उसके बाद हॉट रिलोड करने के बाद हम 5 सेकंड्स वेट करेंगे, उसके बाद हमारी जो ये स्क्रीन है ऑटोमेटिकली आपने देखा कि ऑप्शन स्क्रीन की तरह स्विच हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन इस वजह से शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी अभी कोड नहीं लिखा हुआ। तो बेसिकली हमारी जो ये ऑप्शन स्क्रीन है वो बेसिकली हम क्रिएट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्लेलिस्ट के ऊपर हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।